नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आपके लिए और आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सेलेक्ट किया गया है जो जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड भी इसमें सवाल दिए हुए हैं, जो कि आपको कॉर्नर में दिख रहा है। तो आइए चलते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ये आप लोग जानते हैं। बी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर कहलाता है, क्या कहलाता है? एक जूल पर सेकंड कहलाता है, एक जूल पर कूलम कहलाता है, एक जूल पर एम्पियर कहलाता है। तो इसका आंसर भी बी के साथ चला जाएगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका एक जूल पर कूलम। अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? इसमें एसआई मात्रक जो है वो है वोल्ट, तो वोल्ट के साथ इसका चला जाएगा। अगला देखते हैं, चार नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का यहाँ पर एसआई मात्रक क्या होता है वो है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आवेश जो होता है उसको किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, आवेश का एसआई मात्रक। जैसे कि आवेश यानी चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम, इतना कूलम चार्ज प्रवाहित किया गया या इतना कूलम चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके साथ आंसर चला जाएगा? कूलम के साथ आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि विद्युत कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? इसमें से कौन है जो सर्वोत्तम सुचालक है? CU, AG, AL और FE। देखिए, सर्वोत्तम सुचालक जो होता है वो होता है आपका चांदी, जाने की यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा, जिसका सिंबल AG है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विभवांतर जिससे मेज़र किया जाता है उसको वोल्ट मीटर कहा जाता है, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो आमीटर जो है वो विद्युत परिपथ में किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है? तो ये हमेशा याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये आंसर जो है वो ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, जब किसी चालक तार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, गतिशील कण उसमें कौन से गतिशील कण होते हैं ये बताना है आपको। देखिए, चार्ज जो एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाया जाता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो गतिशील कण होते हैं, क्योंकि फ्री स्टेज में जो है ऊपरी परत पर वो इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं, जो कि जो क्या होते हैं परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या कक्षा में रहते हैं तो वही मूव करेंगे, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होता है वो केंद्रक में रहता है तो वो मूव नहीं कर सकता, सेंटर तो मूव नहीं कर सकता है, इसलिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को ही विद्युत धारा कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। आगे है क्वेश्चन हमारा कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है? तो ये आप आंसर जानते ही होंगे, टंगस्टन का बना होता है, सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा को मापने में प्रयोग किया जाता है, तो धारा का मापने में किसका प्रयोग किया जाता है इसको बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, इस क्वेश्चन एमीटर से इसको मेज़र किया जाता है, तो आपका ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में से कौन सी है? माइक्रो एम्पियर में कितना होता है भाई? तो माइक्रो एम्पियर जो होते हैं वो 10 to the power -6 होता है माइक्रो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 to the power -6 ऑप्शन के साथ किस में है, तो सी में है, तो सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा चालक है? इसमें से कौन सा जो है चालक है? तो धातु देखिए इसमें कोई है तो एल्युमिनियम है, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके डी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? देखिए, शक्ति बराबर क्या होता है वो आप दिमाग में पुट करें कि शक्ति बराबर क्या आंसर आना चाहिए। तो शक्ति बराबर इसके यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, आप
लगाएंगे तो इसका ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर शक्ति का बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा वैल्यू जो है वो क्या है, किलो वाट घंटा जो है का मात्रक है, किसका मात्रक है किलो वाट घंटा, तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत उत्पादित उत्पादन जो होता है, विद्युत उत्पादित का जो प्रत्यावर्ती विद्युत उत्पादन जो होता है इसकी आवृत्ति कितना होती है, तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी है वो बतानी है आपको। तो प्रत्यावर्ती, देखिए दो प्रकार की धाराएं होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा होती है, यानी कि अल्टरनेटिव करेंट होता है और आपका होता है डायरेक्ट करेंट। तो डायरेक्ट करेंट का पूछा है यहाँ पर आपको, अल्टरनेटिव करेंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 Hz होती है, 50 Hz यानी ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। देखिए विद्युत वाहक बल है तो एक प्रकार का ये जो बल होता है ये विभवांतर का काम कर रहा होता है, तो ये जो विभवांतर होते हैं वो वोल्टमीटर से ही मेज़र किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन चला जाएगा आपका। किलो वाट घंटा बराबर है, एक किलो वाट घंटा, यहाँ पर किलो वाट घंटा जो है वो बराबर होता है किस चीज़ के, किलो वाट घंटा में जब कभी लिया जाता है तो याद रखेंगे वो यूनिट के बराबर होता है, तो इसका क्या आंसर चला जाएगा, वो यूनिट चला जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन के साथ चला गया। 1 HP यानी हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है किसके भाई, तो ये जो है 746 वाट के बराबर होता है, यानी ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश के एक क्वांटम का मान होता है, आवेश के एक क्वांटम का जो है मान कितना होता है ये आपको बतानी है, आवेश के एक क्वांटम का मान जो है वो कितना होता है, तो आवेश के एक क्वांटम का जो मान होता है वो होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घरों में विद्युत परिपथ समूहित होता है, मतलब कि घरों में जो विद्युत परिपथ है वो समूहित, मतलब क्या कि किस क्रम में इसे जो है ना अरेंज किया जाता है, समूहित का यहाँ पर यही मतलब है, तो किस क्रम में इसे समूहित किया जाता है, तो उसका जो आंसर होगा वह समांतर क्रम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है ये बताना है, तो मानव शरीर का लगभग प्रतिरोध जो है वो लगभग जो है वो 30,000 ओम के बराबर होता है, तो यहाँ पे 30,000 ओम जो है वो डी नंबर ऑप्शन में है, तो वो आपका ऑप्शन आंसर चला जाएगा। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी कि वोल्ट बाय एम्पियर यदि कहीं पर है तो वो क्या प्रदर्शित करता है वो बताना है आपको, तो वोल्ट बाय जो एम्पियर है वो किसके मान को प्रदर्शित करता है, तो ओम के मान को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, कल मैं फिर पुनः वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें 23 से मैं आगे बढ़ूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।